संगत दी कड़ियां मिलियां ने जिहड़े इस तरह संगत विच बैठदे ने। मेरे सतगुरु किन्ने दयाल हुंदे ने। भाई गुरदास जी दे बोल ने, जैसे एक जननी के होत अनेक सुंदर, सबहु में अधिक प्यारो सुत गोद को। मां अपने सारे पुत्रां नाल प्यार करदी है, पर जिहड़ा गोदी वाला लाल है वो मां नूं बहुत प्यारा लगदा है। रत्ती जिन्ना रोंदा है ते सारे काम छड्ड के टुर पैंदी है, की करा बाल रोंदा है। भाई गुरदास जी कहन लगे, बिल्कुल इसी तरह सिख ते गुरु नानक नूं सारे प्यारे ने, पर ऐ गुरु ग्रंथ साहिब दी जेड़े गुरसिख तेरी गोद विच रातां लवांदे ने ओ मेरे गुरु नानक नूं बहुत प्यारे लगदे ने। उन्हां नूं रत्ती जिन्नी लोड़ दी थोड़ पैंदी सतगुरु झट देनी अपणीआं निगाहां उन्हां वल कर दिंदे ने। जैसे एक जननी के होठ अनेक सुत, सब में अधिक प्यारो सुत गोद को। आओ सत्संगियों, प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान। एकाग्रचित मना दी एकाग्रता बन जाए, तुहाडी असीस मिल जाए, कीर्तन विच रस आ जाए। असीस वजों प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपां कई रोज तो बड़ा प्यारा जिहा प्रकरण शुरू कीता है जो साडियां दुनियावी रिश्तेदारियां ने। आओ उस रस विच जुड़ जाइए, सारे मिल के आपां करिए कीर्तन। तिन धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। जपो जी तिन धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। जपो जी धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, तिन धन जने दी माओ साडे खून दे रिश्ते ने ना ये असीं आप नहीं बनाए। पुत्र नाल बापू ने रिश्ता आप नहीं बनाया, और रब ने बनाया है। जे कोई किसी का सका भरा है, भैन है, वो असीं अपनी मर्जी नाल नहीं बने। ये रिश्ते साडे रब ने बनाए होए। सत संगीत हर रिश्ते की रिश्ते प्रति कोई जिम्मेवारी होती है। हुण मनुख इको ही है, वो किसी का पुत्र है ते किसी का बाप है, किसी का भरा है, किसी का वो पति है। मनुख इको ही है। ज्यों ज्यों रिश्ते बदलते जाते हैं उस तरह उसकी जिम्मेवारियां बदलती जाती हैं। हुण पुत्र का रिश्ता है, ਉਹਦਾ फर्ज है अपने माँ प्यो का सत्कार करना, उन्होंने चरणों से नमस्कार। जे बापू ने ਉਹਦਾ बचपन चुकया ते अज बापू बुढ़ा हो गया है ते बच्चे का फर्ज है ਉਹਦੇ बुढ़ेपे ਨੂੰ चुकना। ਹੁਣ बापू है, बापू के पुत्र प्रति अपने फर्ज ने वो बच्चे की सेवा सवाल करता है। मनुख ही है, किसी का पति है, उसके बखरे फर्ज ने अपनी पत्नी दी हर एक लोड़ां नूं पूरा करना उसकी जिम्मेवारी है। हर रिश्ते दी रिश्ते प्रति जिम्मेवारी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने गल नबेड़ती, जिम्मेवारी जी निभांदा है ते तां ही रिश्ता है, कहण नाल रिश्ते नहीं। हुण तुसीं शब्द सुनिया है, सीधे जे बोलां विच ओहदी व्याख्या कर दईए दो अखरां विच। धन ने उन्हां दीआं मावां जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे। इह ओहदा संखेप जिहा अर्थ है। सत संगीओ, महल्ले विच चोरी हो जाए ना उलांबा चौकीदार नूं भी मिलता है। जिहदे चोरी हुई है उहदे नालों वध सजा चौकीदार नूं भी मिलती है। क्यों? उहदी जिम्मेवारी सी, उहने पहरा ख्याल नाल नहीं दिता। जे पुत्र कपुत्र निकल आना ते लोग लानत पाण लगे, पहला बापू का नाम लेंदे ने, मां का नाम लेंदे ने, इहदे प्यो ने इहनूं अकल नहीं दित्ती, इहदी मां ने इहनूं समझाया नहीं। उलांबा मां बाप नूं भी मिलता है। अज दे कीर्तन विच आपां बड़े प्यार नाल बाणी विचों सुनना है कि बच्चों प्रति मां बाप दे कोई फर्ज होंदे नहीं। सत संगीओ, जिथे महाराज जी ने चंगे मां बाप दी सिफत सलाह कीती है, दो दिन तुसीं सुनिए भी सो क्यों मंदा आखी जित जम्मे राजा। जे इस मां बाप ने अपना फर्ज नहीं निभाया ना, ते गुरु ग्रंथ साहिब ने उस मां बाप नूं लानत भी पाई, उन्होंने उलांबा भी देता है, उसदे नाल गिला भी कीता है। छे कुल पूत ना ज्ञान विचारी। हुण कितनी सख्त पंक्ति है, इहदे अर्थ करन लगिया भी दिल कंबदा है। तू विधवा क्यों ना हो गई, पुत्र नूं समाधि कोई ना दिती। सुनियो जी भगतियां, छे कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कछ ना पई मैं तारी। छे नर राम भगत नी सादी, जन्मत कछ ना मां अपराधी। मां बाप अपराधी है, जे शुभ सिक्ख्या नहीं देती। ते कैसिया कैसिया पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच। वो कहण लगे, जन्म देण दे नाल कोई मां ते प्यो नहीं बन जाता। तू इन्ना ही आख देवीं भी जन्म दे दिता ते मैं तेरी मां ते प्यो बन गया है। बेशक सतगुरां ने आख्या है, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, कुंभ बिना जैसे कपड़े धोई। सतगुरां दा अपना समझाउण दा एक तरीका है। ते मां बाप ने नहीं जिम्मेवारी निभाई, ते गुरु महाराज इस तरह भी कहते हैं की कहते हैं माए न होती बाप न होता कर्म न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया है तुसी सुनी है कहने लगे माए ना होती बाप ना होती कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया। जदों इस दुनिया ते मां भी नहीं आई सी प्यो भी नहीं आया सी असी भी नहीं सी तुसी भी नहीं सी एक काया शरीर भी नहीं सी जिहड़ा सब तो पहला इस धरती ते आया वो मां बाप तो बगैर किवें आ गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक एक पंक्ति ज्ञान का सागर है। फिर सुनियो दी कैसी पंक्ति है माए न होती बाप न होता कर्म न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया। जी आखिए मां पहला आई ते मां किवें पहला आ गई वो जिहड़ा पहला सब तो आया वो किवें आया ताई ते ओदा नाम करता पुरख है वो कुछ भी कर सकता है वो तेरे तो बगैर भी इहनूं भेज सकता सी। सानूं चंगी तरह समझा दिता कोई जन्म देन प्यो ते मां नहीं हुंदी प्यो ते मां बनी दा इह फर्ज निभाउण दे नाल। वाहेगुरू 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 जप लो जी वाहेगुरू 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 वाहे गुरु 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 करता सिरथी को साजे आपे जाने सोई। ऐ मां ऐ पिता उस रब ने तेनू सब तो वध जिम्मेवार समझ के अपनी सब तो प्यारी अमानत एक बच्चे दे रूप विच तेरी झोली पा दिती। उस रब जी ने ऐ मां ऐ प्यो तैनूं सब तो वध जिम्मेवार समझ के अपनी सब तो प्यारी जेहड़ी वस्तु सी ना एक बच्चे दे रूप विच तेरी झोली पा दिती भी लिया तू जिम्मेवारी निभाई इनू गुरमुख बना दे पर तू जिम्मेवारी ना निभाई। जदों आपां मनोविग्यानिक उन्हां लोकां दीयां गल्लां सुणांगे ना वो कहते पता अज क्यों रिश्ते टुट रहे ने अज ये रिश्तियां विच इन्नी दराड़ क्यों आ गई। पहला रिश्ते एक कड़ी दे वांग अड़े रहिंदे सन जुड़े रहिंदे सन अज ये कड़ियां क्यों टुटी जांदियां उन्हां दा अपना ख्याल है। कहण लगे पहला मां खून दे रूप विच दुध बच्चे नूं अपना पलांदी सी ते खून दे रिश्ते बने रहिंदे सन। कैसी बात है पहला मां खून दे रूप ਵਿੱਚ दूध अपना बच्चे ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਸੀ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਕਈ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਜੁਪਜੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਪਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਐ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु 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 चंचल मत बारक बपड़े की। एक पंक्ति सुनो बाणी विचों। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਝੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ। ਸੱਪ ਪਿਆ ਏ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦਾ ਏ। ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪੁੜੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ, ਅਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਲਾਖੇ। ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੀ ਦੇ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੇ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਜਪੋ ਦੇ पुत्र कुपुत्र हो गए ने ते किते हिरदे झात मार साडी जिम्मेवारी विच कोई फर्क ते नहीं रह गया। जो बच्चे बोल को बोल बोलते ने मैं कंडे आपे ते नहीं खिला रहे, किते मैं जिम्मेवारी ते नहीं निभाई। हुण आपां प्रातन साडा रिवाज सी जदों बच्चे ने जन्म लैना ना ते पहला गुरु दे दर्शन कराने, फिर जोग होना, गुरु साहिब दा हुक्मनामा लैना, जिहड़ा हुक्मनामा आना उसे ना तो अखर तो ना रखना। ते अज आपां की देखदे हां, गुरु दा दिता नाम भी सानू चंगा नहीं लगदा। बच्चों के ऐसे ऐसे ना रखते हैं तो सुन वाले को पता ही लग जाता है भी ये भी विचार जिहड़ी नाम दी गुरु ग्रंथ साहिब जी के किसी अखर नाल भी नहीं मिलती। गुरु दा दिता होया नाम भी सानू चंगा नहीं लगता, नाम भी असीं आपे ही रखते हैं। कदों फिर जिम्मेवारियां निभाइयां ने। दाता मंगण वास्ते गुरुद्वारे आते हैं, धी पुत्र मंगण गुरुद्वारे आते हैं, तो फिर असीं मनाउण किधर नूं टुर जाते हैं। दास ते कई बारी सोचदा है गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे ही उड़ीकदे रहिंदे ने, अज मेरे सिख दे पुत्र दा जन्म है गुरुद्वारे आएगा, इहदा राह बदलिया हुंदा है। ये कहंदा मैं सज्जन मित्र मनाउणे ने। हुण खुशियां मिल गई, हुण गुरु की लौड़ है। विच भाई बाले वाली साखी विच लिखिया है, मर्दाना जी कहन लगे बाबा जी अज शाहूकार दे घर कोई प्रोग्राम है, मैनू भी सदा दिता है ते मैं प्रशादा पानी उधर ही छाका मारगा। ते बाबा जी कहन लगे जा भाई जा आया। थोड़ी देर बाद मर्दाना उदास जिहा मुड़िया आता है, भई की गल हो गई। सतगुरु जी शाहूकार दे घर पुत्र जन्मिया है, शराबां ते कबाबां दे दौर सी ते मेरा मन ना लगा उते। ते बाबा जी अगों कहण लगे मर्दानिया पुत्र नहीं जम्मिया, उहने करजाई जम्मिया। बाबा जी करजाई जन्मिया है? हां मरदानिया, ओदे भागां विच पुत्र दी औलाद नहीं सी। सुनियो शरदा नाल, ओदे भागां विच पुत्र दी जिहड़ी बख्शिश नहीं सी, सुख नहीं सी लिखिया होया। ओने बहुत जिद कीती, कोई पुन ओदा जाग पिया, ओदी रेख विच मेख वज गई, रब जी ने उन्होंने पुत्र दे दिता। ओदे कर्म कमाइयां ते अगे थोड़ियां सन मर्दानिया, अज कुकर्म करके उन्हें होर कंडे करार लैते। कर्म अगे ओदे माड़े सन, कमाई अगे ओदे पल्ले नहीं सी, अज कुकर्म करके उन्हें होर कंडे खिलार रहे ने। साखीकार लिखदा है समा बीतदा गया, फिर पुत्र ऐसा कुपुत्र निकलिया, उन्हें बापू नूं करजाई करके रख दिता। हुण जदों भाई वीर सिंह होरां नूं पढ़ांगे ना अष्ट गुरु चमत्कार विच, वो भी किहो जी उदाहरण दिंदे ने। गुरु अमर दास महाराज खडूर साहिब तो गोइंदवाल नूं आ रहे सन ते रस्ते दे विच एक बड़ा वड्डा अमीर जिहदा नाम उपल है, वो मिल गया। ते गुरु महाराज की तकदे ने बहुत सारियां बकरियां लई जांदा है। ते सतगुरु देख के रुक गए, कहण लगे उपल शेठ तू बकरियां रख लईयां ने, ऐनियां बकरियां की करनियां ने? सतगुरु जी कल नूं साडे घर विच खुशी है, फिर बकरियां क्यों लई जांदा है? मेरे पुत्र दा जन्म है, कल नूं मेरे रिश्तेदारां ने आना है ते शराब दे नाल उहनां नूं कबाब भी खवावांगा। ते जदों इन्ने वचन बोले ना ते सतगुरां ने नेत्र बंद कर लए, कहण लगे ओए उपल सेठ ये बेजबान रब दे बच्चे ने, तू रब दे बच्चिਆਂ ਨੂੰ मार के अपने बच्चे का जन्म मनाएगा। एक गल मेरी सुन ले, जदों इन्हां नूं मारेगा ये रब दे बच्चे रोणगे, तेरे बच्चे दे जन्म दिन ते इन्हां दियां रोण दियां आवाज़ां रब दी दरगाह विच चले जाणगियां। रब दा दिल दुखा के खुशियां नहीं मनाई दियां। सतगुरु इन्नी गल करके टुर गए। वो कैसे लोग सन जिन्हां दे दिलां ते गुरु दीयां गल्लां असर करदियां सन, पर सानू चंगी तरह पता है असीं इह कुछ नहीं करना, पर साडे दिल ते असर कोई नहीं गल्लां करदियां। तुर गया सोझी वाला सी, बकरियां छड्डियां ते मगरे नट तुरिया महाराज। फिर खुशियां किवें मनाई दियां इह भी ते हुण दस के जाओ। सतगुरु कहंदे गोइंदवाल आई, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਸੇਠ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਏ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ। जे बहुते पैसे खर्चने ने ना रिश्तेदारां नूं संगत रूप विच बनाई। हुण कैसी बात है, बंदे ते असीं ओही हुंदे हां। जदों जन्मदिन लई तुसीं होटलां विच जांदे हो, मीट शराब दीयां पार्टियां ते आपां जांदे हां, उत्थे असीं सत संगत नहीं हुंदे, रिश्तेदार होई हो। जदों तुसीं गुरू घर विच आंदे हो ना, फलाने दे बच्चे दा जन्मदिन है, उदों तुसीं सत संगत दे रूप विच आंदे हो ते विच संगत हर प्रभ बसे जीओ। पता नहीं गुरु नानक किहदे हिरदे ते बैठ के किहदे मूँह चों बच्चिआं नूं असीसां दवा रिहा है। आपां कह दे ना कि संगत रब रूप है, उहने उसी तरह कीता। संगत बला महाराज तुसीं भी आए हो। जदों सतगुरु गए, सतगुरां ने दित्तियां ना असीसां, मन पार आया है मेरे दातिया, मैं किड्डे गुनाह कर बैठना सी, तुसीं मैनूं बचा लिया है, तुसीं ते मेरे ते बड़ी किरपा कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी बड़े प्यारे जे बोल साडी झोली पा रहे हैं। एक गुरमत नाल जुड़ी हुई मां दे दिल दीयां गल्लां सुणा रहे। कलम अपनी है महाराज जी दी, ख्याल है उस मां दे जिहड़े गुरु नाल जुड़ी होई है। शब्द आपां असीं तुसीं रोज़ ही पढ़दे हां, सुणदे हां, पर अज जदों इस विषय विचों श्रद्धा नाल सुणोगे, एक एक पंक्ति विचों कोई सुनेहा मिलेगा। पुता माता की असीस, नेमख ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। पूता माता की आसीस, माता की आसीस, जपो पूता माता मुख न विसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश। निमुख न विसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश। पूता माता की आशीष, माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष। जिस सिमरत सब किल विखना से पितरी होए सो हर हर तुम सद ही जाको जाका अंत ना पारो। पूता माता की आशीष, माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। जुड़ी हुई मां कैसे आशीषा देती है, कहती है पुत्र रब का नाम जपी जेदे करके सारे सुख मिलते थे। तेरे जेडे मित्र होण, वो संत होण, रब नाल जुड़िया हुई रूहां होण, ते जेडे तू कपड़े पहने ना वो इज्जत ते पद दे पहने। तेरा जेड़ा भोजन होवे ना वो कीर्तन होवे। हुण सतसंगियो इहदे विचों सानू की असीस मिल रही है, सेहत की मिल रही है। इंज कह लईए, ऐ मां, ऐ प्यो, अपने पुत्र नूं तू बड़ी डिग्री दवा, ओनू वकील बना, जज बना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बना दे, पर ख्याल रखी नाल गुरमुख भी बना दे, नाल गुरमुख भी बनाई। जो गुरमुख होएगा ना वो जिड्डा मर्जी वड्डा ओहदा होएगा, वो मां बाप नालों कदी वड्डा नहीं बनेगा। जे गुरमुख नहीं बनेया वो चार क्लासां पढ़ के मां बाप तो भी उत्तर दी गल्लां करदा है, फिर वो कहंदा है तुसीं मेरे लिए की कीता है। ऐ मां, ऐ प्यो, बड़ाई पुत्र नूं अफसर वकील जज बना दे, ख्याल रखी नाल इहनूं गुरमुख जरूर बनाई। जे गुरमुख ना बनिया फिर तेरे तो बड़ा बन जाएगा। जे गुरमुख होएगा कदी मां तो ते प्यो तो बड़ा नहीं बनेगा। पर ख्याल करी तू जिन्नियां मर्जी असीसां देई जाई, जिन्ना चिर गुरु दी असीस नहीं ना दवांदा उन्ना चिर मां प्यो दीयां सदनां ते भी बच्चा पूरा नहीं उतरदा। आ असीस चाहिए कैसे? सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। पूता माता की आशीष, माता की आशीष। जप लो पूता माता की आशीष, माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष। अमृत पीवो Guru बाबा नंद सिंह जी के वचन ने जेड़े गुरसिख कीर्तन विच रातां जागदे ने उन्हां दीआं दुखां दीआं रातां कट जांदियां ने सुख बना रहे प्रभु की उस्तत करो संत बीत सावधान एकाग्र चीत कीर्तन दा रस सुरत ते शब्द का सुमेल है। साड़ियां सुरतां शब्द नाल मिल जाए तुहाडी असीस मिल जाए कीर्तन विच रस आ जाए असीस वजो प्यार सहित फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ समाधियां लाओ ते आपां सारे मिल के कीर्तन करिए। कीर्तन का विषय है गुरमत दे विच नशियां दी मनाही है। गुरमत विच नशियां दी मनाही है। कई बार मन विच आ जाता होएगा भी किथे बाबा जी की बाणी विच लिखिया है तंबाकू नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं बरतने। दस रहे आप दियां गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, भाई गुरदास जी की बाणी ते गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी के रहतनामे विचों प्रमाण दे के कीर्तन सरवण करांगे। गुरमत विच नशियां दी मनाही है। आओ आप जी शब्द सरवण करो। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने ना पिया कर शराब, मत दूर हो जाती है, तू अपने ते पराए दी पहचान भुल जाता है। बोल कबोल बोल के जग नाल भी बगाड़ लैंदा है ते रब नाल भी बगाड़ लैंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का बड़ा प्यारा जिहा संदेश सुनियो जी शरदा नाल। जित पीते मत दूर मत दूर जित पीते मत दूर होए बारक पवे बिच आए। नाम राया ना पछाणी कसम तके थाए जित पीते मत जित पीते मत दूर होए पवे बिच आए अपना पराया ना पछाणई कसम तके आए जित पीते मत दूर होए। नानक नगरी सच पद पाइए सब गुर मिल जिसियाए सदा साहिब की रंग रहे महली पावे थाओ महली पावे थाओ जित पीते मत दूर होए बरल पवे अपना पराया ना पछाणई कसम तके खाए वाहे गुरु 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 सुनो वाहे गुरु 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 जप लो वाहे गुरु 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 जपो जी वाहे गुरु 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 जित पीते मत दूर होए बरल पवे बिच आए अपना पराया ना पछाणई कसम तके खाए जित पीते मत दूर होए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। बहुत ही कीमती विचार अज का प्रकरण। दास पहला ही बेनती करते वे कि प्रकरण ये विशा इहो जिहा है बलारे दे कोई मनो जां दिलों किसी नूं उलांभा नहीं हुंदा, क्योंकि बेकार किसी विच भी हो सकते हैं। असी संगत एक परिवार हाँ ते गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे बापू ने साडे पिता ने इंद कह लईए जिवें सारा परिवार बापू की गोद विच बैठ के विचारां करता है। बेशक असीं सुणाउण वाले हाँ, तुसीं सुणन वाले हो, बस उसे तरह आपां सारिआं ने विचारां करना। एक विचार है एक चंगा परिवार जिवें बापू कोल बैठ के कदे गुरमत दियां चंगियां गल्लां करदा है, उस तरह है। आओ जी आप जी सरवण करो। रहतनामियां विचों कुछ पंक्तियां दस रहे तुहानूं बाणी विचों सुना रहे कि किथे किथे लिखिया है नशे नहीं मरदनी। शराब अरबी भाषा का बंद है, अरबी विच कहंदे ने शराब। शराब तो भाव है शरारती बाणी। हिंदी संस्कृत विच इसनूं मद ते मदरा कहंदे ने। हुण जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सुनोगे उहदे विच मद आएगा, जिथे शराब का जिक्र आएगा। जदों आपां भाई गुरदास जी को पढ़ांगे, गुरु गोबिंद सिंह जी को पढ़ांगे, उत्थे शराब ही आएगा। आओ सरवण करो। गुरु महाराज किवें सानूं स्टेर दे रहे ने। शराब तमाखू जुआ चोरी इनसे हित ना करे। गुरु नूं दर देना मेरे गुरसिख बच्चे किते कुराहे ना पै जाण। शराब तमाखू जुआ चोरी इनसे हित ना करे। संगत खोटी पर हरे पोस्त भंग शराब दे चलन प्याले। शराब दे चलन प्याले पोस्त भंग शराब दे चलन प्याले। भुगत पुजाया साध संगत बिन भरम भुलाया। दुर्मत मद जो पीम ने बिखली पत कमली। राम रसायन जोर ते नानक सच अमली। इत मद पीते नानका बहुत खटिए वैका। सुनो एक एक पंक्ति, तुसी सारे बहुत सूझवान हो, बहुते अर्थ करन दी भी लोड़ नहीं, सादियां पंक्तियां ने। महाराज की कह रहे हैं? इत मद पीते नानका बहुत खटिए विकार। मद पीवे सो नरक में जावे, सो नरक में जावे। जुआ खेले मद पीवे सो नरक में जावे। वो जित पीते मत दूर हुए, मत दूर हुए। कुट्ठा हुक्का चरस तमाखू गांजा टोपी ताड़ी खाकू। सारे नशे की गिनती कर देती। कुट्ठा हुक्का चरस तमाखू गांजा टोपी ताड़ी खाकू। इनकी और न कबहू देखे। हो जित पीते मत दूर होए, जित पीते मत दूर होए। इनकी और न कबहू देखे। रहत भेद बंद सो सिख वसेख जित पीते मत दूर होए बरल पवे बिच आए अपना पराया ना पछाणे कसम धक्के खाए जित पीते मत दूर होए। जदों पी लेंदा है अपने ते पराए दी पहचान भुल जाता है तो चंगिया ते मंदिया नूं भुल जाता है फिर बोल कबोल बोलदा है जग नाल भी बिगाड़ लैंदा है ते रब नाल भी बिगाड़ लैंदा है। श्री खंडूर साहिब गुरु अंगद देव महाराज जी विराजदे ने ते सतगुरां दे दरबार दे सामने इस पिंड दे चौधरी दा घर है मलूका चौधरी ओदा नाम है। हुण मलूका शराब बहुत पींदा है जदों पी लैंदा है ना ते पी के महाराज जी नूं भी बुरा भला बोलदा है शराब पी लैंदा है पी के सतगुरां नूं भी बुरा बोलदा है। सतगुरु कुछ भी ना जवाब देंदे भी ओ जाने कि शराबी इनू केड़ी होश है। हुण सतसंगी शराब ने इसदा शरीर गाल दिता है इनू मिर्गी दा दौरा पैण लग गया है। हुण जिहड़े शराबी ते कबाबी हुंदे ने ना कबाब तो नाल पशुआं दा मास खाना सतसंगी जे तुसी डॉक्टर नूं पुछो ना वो कहणगे कई बीमारियां ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ियां पशुआं दीयां हुंदियां ने ते जिहड़े पशुआं नूं खांदे ने उहनां नूं वो बीमारियां भी लग जांदियां ने। इहनूं हुण मिर्गी दा दौरा पैण लग पिया है इह तुरिया जांदा डिग जांदा है। सारे डॉक्टर ते वैद भाले सबना ने जवाब दे दिता ते एक दिन घर वाली कहती है साईं जी आओ देखो सामने गुरु नानक दा घर है किन्ने लोग इत्थे आंदे ने मैं अखी तकदी हां हाथां ते चुप चुप रोगियां नूं लोग लिआंदे ने ते ओह टुर के जांदे ने ते आओ सामने दरबार तुसीं नहीं महाराज जी दे कोल जा सकदे। फिर कहती है तुसी की जाना तुसी जदों पी लेंदे हो तुसी ते महाराज जी नूं भी बोल कबोल बोलते हो। किसे बैराग विच भिज गई है कहण लगी दातिया मैं सारी जिंदगी नरक विच ही कट देवांगी मैं सुनिया है तू रहमतां दा सागर है तू बख्शण लगा किसी दे औकड़ नहीं देखदा किते मेरे घर नूं निगाह कर मैं भी 4 दिन सुख दे कट लवां। ओ जाने कि बोल बोल बोलदे ने घर ते नरक बन के आए। जिन्हां घरां दे विच इह विकार है उहनां नूं पुछिया जाणीए घर किवें नरक बन जांदे ने। ओ जोदड़ियां करदी है सतगुरू तू बख्शणहार है ओ जाने ये बोल कबोल बोलदा है पर विच सजा ते मैनू भी मिलदी है ना। मन विच आया रिश्तेदारां नूं आखिया मलूके नूं नाल लिया जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठे ने ना भावना बनाओ मलूका चौधरी रिश्तेदारां दे नाल आया गुरु महाराज जी नूं मत्था टेक के ते पिछे जाके बैठ गया। शराबी बंदा है पी के बोल कबोल बोलता है सोफी ते सामना करना औखा है। रिश्तेदार आए कहने लगे सतगुरु जी मलूका आया है महाराज दिल दा माड़ा नहीं है जदों पी लैंदा है होश भुल जाता है ते गुरु महाराज कहन लगे मलूकिया तू पिंड दा चौधरी है ते पिछे क्यों बैठा है अगे आ। जब महाराज जी ने इन्ना मार दिता ना उन्हें मान पाया। सतगुरु जी पी के बोल बोल बोलदा सी मेरिया भोला बख्श दे सुध बुध भुल गया मैं पी के। सतगुरु कहन लगे हो जाने तेरे नाल कोई गलत नहीं पर सुना तेरी सेहत दा की हाल है। महाराज की सुनावा तुरया तुरया जाता डिग जाता है। डॉक्टर कहते ने तू ठीक नहीं हो सकता। नशे ने शरीर गाल देता है। सतगुरु कहन लगे एडे माड़े ने नशे ते ना खाया पिया फिर क्यों पीता है। हाँ प्यारे शराब की बोतल के उपर भी लिखा हुआ ये जहर है इनू ना पीवी। ठेके के उपर भी लिखा हुआ ये जहरीली इनू ना पीवी पर पीने वाला फिर भी पी जाता है। बड़ी कोशिश करता हाँ महाराज छुटदी नहीं। सतगुरु कहने लगे गुरु नानक का घर है मलूकिया देख अपने घर परिवार वल तू किवें नरक विच जीउंदा है। तू पिंड दा चौधरी है पी के गलियां ते नालियां च डिगदा है किसे नूं की सिक्ख्या देवेगा। जे अज आया है ना इस घर विच तू शराब पीनी छड्ड दे आ मिर्गी दा दौरा तैनूं छड्ड देवेगा तू ठीक हो जाएगा। हुण मरदा बंदा की कुछ ना करदा। सतगुरां ने बचन कीते कहन लगा महाराज सत बचन इन्हें पीणी छड्डती। समा बीतदा गया अज होर कल दे रंग ढांगी बदल गए। जिस घर विचों सदा गाली गलोच दियां गल्लां दे आवाजां आंदियां सी हुण ते वाहिगुरू दा आवाज़ आंदा है। घर वाली कहती इंज लगता है जिवें सारे पिंड नालों असीं सुखी होईए एडा सुख वरत गया। समा बीतदा गया ये तंदुरुस्त हो गया ते साडा एक सवाल है जदों सानूं खुशियां मिल जाण काम तों वेले आ ते रोज गुरुद्वारे अरदासां काम मिल जाए ते जदों मिल जाए ना फिर कहंदा हुण टाइम ही नहीं हुंदा काम इन्ना वध गया हुण नहीं लोड़ गुरु दी। जिन्ना चिर सेहत नहीं ठीक रोज पाठ करदा है तंदुरुस्त हो गया है ते भुल ही जांदा है हुण की लोड़ है गुरुद्वारे आउण दी। बाबा नंद सिंह जी कहंदे ने ये सुख पक्के नहीं हुंदे इहनूं भुल गया। ये ते कदी कदी शराबी मित्रां विच बहण लग पिया कदी कदी शराब पींदा है ते घर नूं पी के आ जांदा है। घर वाली कहती है तुसी गुरु महाराज जी ने बचन कीता है ते दरवाजे दे मोहर दी लंघ के आंदे हो तुहानूं डर नहीं लगदा। पर इहनूं कौन समझावे। एक दिन बहुत शराब पीती ते बोतल होर भी घर नूं चुक लिया आया चवारी ते चढ़ गया ते गुरु महाराज जी दे घर वाल नूं मूंह करके महाराज जी नूं गालां कढण लग पिया शराब पी के। मैं अपने पैसों की पीता हाँ तुसी मैनू रोक नहीं सकते। मैं पिंड दा चौधरी हाँ मैं रोज पी के आवांगा मैनू कौन रोकेगा। इत्थे बहुत बोले सतगुरु भी आके दरवाजियां विच बोल बैठ खलोते। इहदियां गल्लां सुनियां पर मन विच कोई गुस्सा ना आया। दाते ने पर साखीकार लिखदा है जदों एक शराबी ने गुरु नानक महाराज जी नूं बोल कबोल बोलने शुरू कर दिते फिर मेरे सतगुरु कोलों सहारा आ गया। कहण लगे मलूकिया जे तू साडे बचनां दा नहीं बनिया होया ते असीं तेरे सुखां दी क्यों राखी करिए। जे तैनूं साडे बचनां दा ख्याल नहीं जे तू आखी जांदा है मैं गुरु नानक नूं नहीं जानदा ते जा फिर गुरु नानक तैनूं भी नहीं जानदे। अब मिर्गी छूट आई तुम पास ये इतिहास दे बोल ने। अब मिर्गी छूट आई तुम पास। महाराज जी ने इन्ने वचन बोले ओ शराबी चवारे ते चढ़िया पैर तिलक गया ते कोठे तो आके जदों जमीन ते डिगिया ते प्राण ते आ गया। लोकी दौड़े आंदे ने फिर मलूका कोठे तो डिग पे आए। गुरु महाराज भी आए आके कहंदे ओए मलूकिया मरना ते सारिया नहीं है। जे तू साडी गल मान लेंदा तेरा मरना ये नहीं सी होना। आज कोई अफसोस भी नहीं करता। लोकी कहंदे ने शराबी कोठे तो डिग के मर गया है। वो चंगी तरह अफसोस नहीं करता। हुण किसी दे छट पेट लग जावे ते असीं झट दे नहीं कहंदे आ शराबी सी। ओनी दर्द दया नहीं मन विच लिआंदे भी इहदा अपना दोष है। लोग कहते ने शराबी कोठे तो डिग के मर गया है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी थानू ताई आवाजा दे रहे ने ना कहते ने ना पिया कर। जित पीते मत दूर होए बरल पवे बिच आए अपना पराया ना खसमों तके खाए। जित पीते मात दूर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपो जी वाहे गुरु 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 जप लो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। साची वाणी मीठी अमृतता जिन पीती तिस मोख द्वार। कैसी पंक्ति है सुने भी प्यार आ। तेन पीन वाली चीज दसा केड़ी बई ऐ गुरसिखा तेरी शाम ठेकियां ते कलपां ते नाम गुजरे। तेरी शाम संगत विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच लगे। तू शराबियां विच बैठ के शराब दे प्याले नहीं तू संगत विच बैठ के कथा कीर्तन दे प्याले पी। ओ शामी पींदा ही सवेरे उतर जाती है। ये नहीं उतरन वाली। जदों बाबर ने ऐमनाबाद ते हमला किया ना ते बाबा नानक जी भाई लालो दे घर गए हुए सन ते हुण सारे घरां ते हमला सब नूं मारी लुटी जांदे ने सिपाही ते भाई लालो दे घरों भाई मरदाने ते बाबा नानक जी नूं भी पकड़ लिया। साखी तुसीं कई वार सुणीए। घोड़े पकड़ा दिते तुरे जाते ने सिपाही लैके सतगुना रस्से भी छटे मगर मगर तुरे आते ने। साखी ते लवेरी लजा के जेल दे विच बंद कर दिता। लजा के जेल विच बंद कर दिता। चक्कियां चलाण वास्ते दे दित्तियां दाणियां दा ढेर ला दिता चलाओ वे चक्कियां। ते सतगुरु कहन लगे चक्कियां छड्ड दिओ ते वाहिगुरु दा सिमरन करो ते चक्कियां अपने आप चलन लग पईयां। हुण जदों इह कुछ बाबर नूं पता लगा ना ते बाबर आप कहंदे जेल तक तुर के आया। कौन आ गया इहो जिहा? पीरां फकीरां नूं मानदा सी डर पै रखदा सी आया देखण। बाबा नानक नूं तकिया कुछ मन विच रस आया ते नमस्कार कीती। अच्छे अच्छे पदार्थ खाने वास्ते लिया ते एक प्याले दे विच शराब भी रखी है। सतगुरु जी आ जरूर छको। सतगुरु कहण लगे ये की है? कहण लगा कि अंगूरां दी शराब है। दाता जी पुछदे ने ये पी के की हुंदा है? कहण लगा जी एक बखरा जिहा सरूर आता है। फिर कितना चिर नशा रहिंदा है? कहंदा इहदी रात भर ते रहिंदा ही है। बाबर असीं भी शराब पीते हैं। केड़ी? सुन बाबर जावर मेरी बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। असीं नाम दी शराब पीते हैं। वो दिने ते रात उतरदी कोई नहीं। जेड़े नाम दी शराब पींदे ने आ जीवन भरन ते एक पासे जीवन मुक भी जाए, शरीर मुक भी जाए, फिर भी नाल जाती है। असीं ओह पींदे हां। ते साखीकार ने लिखिआ है जदों बाबे नानक ने इन्ने बोल बाबर नूं आखे, उस दिन तो बाद बाबर ने शराब पीनी छड्ड दित्ती। उहने मुड़ के शराब नहीं पीती। ते प्यारेओ असीं ते उहदे सिख हां। असीं रोज़ ही उहनां कोलों सुणदे हां वी शराब नहीं पीनी, पर पता नहीं साडे ते इह बोल असर क्यों नहीं करदा। जा सानू प्यार नहीं, जा उन्हां दे बोलां ते विश्वास नहीं। बाबर ने अद्धे बोल नाल छड्डी, सारी जिंदगी ना पीती। ऐ सतगुरु जी किते साडे वल भी निगाह कर। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने आ तैनूं पीण वाली चीज दस्सां। साची वाणी मीठी अमृतता, जिन पीती तिस मोख द्वार। जपो जी साची वाणी मीठी अमृतता, जिन पीती तिस मोख द्वार। जिहड़ा पींदा है ना आ दुनिया दे सुख नहीं, उहदे लई सचखंड दे दरवाजे भी खुलदे। दो पंक्तियां विच किड्डी असीस मिलदी है। साची वाणी मीठी अमृतकार, जिन पीती तिस मोख द्वार। जप लो जी साची वाणी करन पुलान करे बिल्लाता बिन गुर नाम ना जापे पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुर शब्द सजापे एक मूर्खी अंधे एक सतगुर के पहनावे अदा एक सतगुर के पहनावे अदा साची वाणी मीठी अमृतता जिन पीती तिस मोह लुआ नपलो मेरी साची वाणी शराब दे चलन प्याले एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी घोड़े ते सवार होके जा रहे सन ते पिछे बहुत सारिया संगतां टुरिया जा रही सन ते टुरदियां टुरदियां ना घोड़े दे कदम रो सतगुर अड्डी मारते ने घोड़ा तो तुरदा ही नहीं घोड़े ने बट विच पैर फसाए ने ते मूंह पछाण नूं कीता होया है। गुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े तो उतर के खड़ो गए ने पिछों संगतां आईयां महाराज तुसीं क्यों खड़ो गए हो। गुरु गोबिंद सिंह जी कहण लगे गुरसिखो आ देखो सामने नशे की फसल बीजी हुई है ते साडा घोड़ा इधर नूं जाण वास्ते तैयार नहीं। और सामने खेत विच नशे की फसल बीजी हुई है घोड़ा तुरदा ही नहीं जाता इधर नूं। एक सिख ने आखिया महाराज पता नहीं इहदे किन्ने क जन्मां दे पुण जाके ने तुहाडी सेवा मिली है तुसीं इस ते बंधे हो पता नहीं किन्ने जन्मां दे पुण ने। ते दूसरे सिख ने कीमती वचन आखे महाराज ये बहुत अकल वाला है बई घोड़े दी केड़ी अकल ते सोच है। हाँ ये बहुत अकल वाला है सतगुरु जी पता है की सोचता है बई की सोचता है सतगुरु जी खलोता सोचता है ऐ मना जे अज मैं कलगियां वाले नू लेके नशे दी फसल विच ही लंघ गया मेरी सारी जिंदगी दी कीती कमाई विथ चली जानी है। ते ऐ गुरसिखा गुरु दा ते घोड़ा भी नशे वाल मूंह नहीं करदा तेरे कदम ठेके अगे क्यों हौले हो जांदे ने तेरे कदम क्यों रुक जाते ने ठेके दे अगे जाके। अज आपां जदों पंजाब दा हाल देखते हाँ ना ते नशियां विच बहुत गुलतान है ते जदों तुसीं अखबारां ते रिशाले पढ़दे हो शर्म नाल सिर झुकदा है। वो लिखदे ने सब तो वध जिहड़ी दुनिया विच शराब है पंजाब विच विकदी है ते पंजाब विच कौन पींदे ने सिख सरदार लोग सब तो ज्यादा पींदे ने जिन्हां दे गुरुआं ने आखिया संगी नूं हाथ भी नहीं लाना इधर नूं मूंह नहीं करना अज वो अपने गुरुआं नूं पलांबा दे रहे ने भी सब तो ज्यादा शराब सिख सरदार लोग पींदे ने। ते बाबा नंद सिंह जी दे बचन सुने जी बाबा जी कहते सन भी ये जेडे तेरे ककार ने ना एवें तेनू भार नहीं चुकाया होया सिर ते दस्तार ते हाथ विच कड़ा एक अच तेनू एवें नहीं भार चुकाया है, तेनू पता होवे इहदा कोई मतलब है, इहदा कोई भाव है। ये हाथ दा कड़ा कड़ा नहीं, ये कड़ी है। जदों कोई माड़ा काम करन लगे ते कड़े वाल देख के तेनू गलगियां वाले दी याद आ जावेगी, तेरे हाथ रुक जाण। जदों भरी सभा दे विच बड़े मान नाल इस कड़े वाले हाथ नाल शराब दा गिलास चुकदा है, तेनू कदे गुरु गोबिंद सिंह जी दी याद नहीं आई। जदों ये सोहनी दस्तार बन के ठेके तो शराब की बोतल खरीद लेंदा है ते उदों तेनू कदे याद ना आई। अज जेहड़ा साडा हाल है ना, दास कई बार सोचदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी देखो, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह साडा यह हाल देख के नीहां विच खलोते जरूर रोंदे होणगे भी ऐ गुरसिखो, जे तुसी यही हाल करना सी ते असीं अपना सारा परिवार तुहाडीआं सरदारियां लई क्यों वार दित्ता। जे यही दस्तार ते कड़ा पा के तू शराब दीआं बोतलां ते ठेके अगे खलोना सी ते असीं अपणीआं छोटीआं छोटीआं जिंदां नूं क्यों वार दित्ता। जरूर भुलावे देंदे होणगे। सतसंगीओ, गुरु महाराज जी दी बाणी सानू सुचेत कर रही है, तू नशे ना वरतिया कर। ते बाबा जी दे बड़े प्यारे बचन ने भी ओ जाने गुण औगण ते सारियां विच ने। जदों असीं अरदास कर दईए ना फिर जिम्मेवारी गुरु दी हो जाती है। सतगुरु जी बख्शिश करियो, साडे घरां विचों ये लाणतां ये बेकार चले जा, साडे घरां विचों ये नशा चले जावे। ऐ दाता जी, मेरे विच समर्था नहीं, तू मेरे वल इहो जी निगाह कर, मेरा दिल ही ना करे भी मैं शराब तंबाकू ये कुछ खावा पीवा। ते जदों अरदास कर दईए ना फिर जिम्मेवारी गुरु दी हो जाती है, गुरु आपे कृपा कर देंगे। अमृत पीवो सदा चिर पीवो। पीण वाले का अपना बहाना है ना, कदी कहता है मैं गमी विच पीती है ते कदी कहता है मैं खुशी विच पीती है। अज बड़ा दुखी सी मैं पी लई, ये नहीं सोचदा भी तू पी के होरना नूं भी दुखा विच पा दिता है, सारे घर च भी कलेश पा दिया है। अज खुशी सी मैं तां पी लई, तू खुशी विच पीती है ते सारियां दीयां खुशियां खराब कर दित्ती। साडे ब्याह शादियां, साडे ये सभ्याचार, सारे प्रोग्राम महाराज जी ने तां साडे गुरु नाल जोड़े ने। साडे घरां विच गुरु होवेगा ते सिख नूं भय रहेगा। पर सत संगीओ, असीं ते गुरुद्वारे अखंड पाठ भी फोन करके बुक करा दिंदे आ, भी ठेके वाले नूं भी फोन कर दिंदे आ, इन्नियां पेटियां तैयार रखी। इह ती कोई गुरसिक्खी नहीं। दासरिया ने तकिया इसी तरह एक आनंद कारज ते गए साहब, ते जदों पल्ला फड़ाउण दी वारी आई ना, बापू ने इन्नी शराब पीती उहनूं पल्ला फड़ाउण दी भी सुध बुध ना सी। ते बच्ची भी रोवे भी बापू अज ते ना पींदा ना, अज दा दिन ही छड लैंदा। तू पी लैंदा है खुशी सी ते तू पी के सारियां दीयां खुशियां वैरान कर दिंदा है, सारियां दीयां खुशियां ही खराब कर दिंदा। सतगुरु जी, अज सानू तेरी बाणी विचों पता लग गया है, जे असी नाम दे प्याले पीवांगे इहदे विच बड़ा ही सरूर है, इहदे विच बड़ियां बख्शां ने। इस पीण नाल रब जी दी खुशी मिलदी है, खुशियां विच सच्ची मुची वाधा हो जाता है। किरपा करो मैं बाहरले नशे ना पीवां, मैं संगत विच बैठ के कथा कीर्तन दे प्याले पीवां ते मैं सदा चिर जीवां। सतसंगीओ, असीं घर कितना कुछ बनांदे हां, कमाई करदे हां, दिन रात नठे फिरदे हां, कादे वास्ते? साडे कोल सोहनी गड्डी, सोहना घर, साडे बच्चे भी सुखी होण, साडा सुखां दे साधन बनांदे फिरदे हां, इस वास्ते कि जीवन दा आनंद ले लईए। ते सच जाणो, जे सेहत ही खराब हो जावे, तेरे कोल किन्ने भी सुखां दे साधन होण फिर चंगे नहीं ना लगदे। बड़ी गड्डी, सोहना घर, बच्चे भी चंगे, अपनी सेहत खराब, ते बंदा सोचदा है कादे लई, कुछ भी नहीं। जदों तू खांदा ते पींदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने, ओ खाने ओ पीने ना पिया कर बाबा, और खाना खुशी खुआ, चित खादे तन पीड़गे। जिहड़े खाण पीण दे नाल तेरा शरीर गलदा जांदा है, बीमारियां लगदियां है, जिहड़े पीने ते खाने तेरियां खुशियां वैरान करी जांदे ने, ओ खाने पीने ना पिया कर। कहंदे ने ना गुरु ग्रंथ साहिब जी, जे तेरी सेहत ही ना ठीक होई, तू जिंदगी भर सुख बनांदा रहा ते उन्हां सुखां नूं माणेगा किवें। गुरु ग्रंथ साहिब जी, सतगुरु जी साडी मां ते साडे पिओ ने, ते साडे मां पिओ होण दे नाते उन्हां नूं पूरी चिंता है ते मेरा जिहड़ा सिख है ना, ये जीवन का आनंद ले सके, ये देही करके भी आरोप। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, जपो दे अमृत पीवो सदा चिर जीवो। जी अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। वाहेगुरु 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 वाहे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जप लो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, चिर जीवो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इस फेरी का नानकसर विखे 10 रियां का आखिरी दीवान है। पापरिया ने सारे ने असीसा देनिया। बहुत सारे शब्द आखे ने दस दे कल सुनाणगे सिंगापुर वीडियो वाले, इन्हां दा बहुत धन्नवाद है। तुहानूं कैसटा बना के दे रहे ने। अज भी जिन्हां नूं लोड़ होवे गुरु घर के सामने उन्हां दी बैन खलोती हुंदी है। बहुत सारिया कैसटा तुहानूं उन्हां ने बना के दित्तियां ने। पूरी पूरी रात लांदे ने, बड़ियां संगतां लाभ रह रहियां ने। तो जिन्नी तुसी सेवा दे रहे हो कैसटा दी ना, $2 ने एक कैसट दी, वो सारे गुरु घर की सेवा उन्होंने पाने ने। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। बड़ा बड़ा सहयोग है। सत्संगीओ तुहाडीआं असीसां सदका गुरु महाराज जी की कृपा नाल बाबा नंद सिंह बाबा ईश्वर सिंह जी की याद विच इंडिया विच बहुत बड़ा एक समागम हुंदा है, महापवित्र गुरमत समागम। उस समागम 22 ते 23 मार्च में होना है। तुहानूं बेनती है जिन्हां ने इंडिया जाना उन्होंने लुधियाने ये 2 रात जरूर सफरियां करनियां, जिहदे विच अच्छे अच्छे साढ़े सारे कीर्तनीय संत महापुरुष वो सारे आंदे ने। इस गुरु घर की सारी प्रबंधक कमेटी का सहयोग हुंदा है। सरदार गुरचरण सिंह जी रखड़ ये भी तन मन ते धन करके उस प्रोग्राम में सहयोग पाते हैं। सारे मुहार साहब भी, डॉक्टर साहब सारे, मेरे वीर जसवीर सिंह होनी, बाबा करतार सिंह जी सारे जाते हैं उस समागम में। तो इस बारी गुरचरण सिंह जी रखड़ इन्हों के सहयोग नाल बड़ी उच्च पद्धर ते उस समागम हो रहा है। 22 ते 23 मार्च की रात को लुधियाने गुरुद्वारा दुखनिवाल उत्थे तुसीं पुजना है। आप समूह संगत के चरणों ते 1000 वारी नमस्कार है। तुसीं एडी वड्डी गिणती असीस देण वास्ते आंदे हो, साडे भी पुन बनते ने। तुहाडे चरण परस के सानूं खुशी प्राप्त होंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का सब तो बहुत धन्नवाद है। कल नूं दस रहिआं दा आखिरी दीवान इस फेरी का, ते मेरे वीर लक्कड़ साहिब जी में दस रहे सन 20 तरीक का प्रोग्राम 7 तो 8 मंडेरे गुरु घर विखे होवेगा लक्कड़ साहिब वालों। तो इस गुरु घर विखे बड़े ही बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनी भाई गुरवेल सिंह जी 20 तरीक की रात को वो इतने कीर्तन करे। आओ धारणा सारी मिल के लाइए, फिर दस रहे बोलो समाप्ति। मिल वर्ग सदायो संत जना, मिल वर्ग सदायो संत जना, मिल वर्ग सदायो संत गायो संत जना, मिल वर्ग 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 गायो लोट जन्मत के दुख गवायो, जो चाहित सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम निभायो, सर्व सुख हर नाम बड़ाई, गुर प्रसाद नानक मन पायो। मिल वर्ग गायो संत जना, मिल वर्ग गायो संत जना, मिल वर्ग गायो गायो संत जना, मिल वर्ग गायो संत जना, मिल वर्ग गायो संत जना, मिल वर्ग गायो संत जना।